दिल्ली में मदर डेयरी का दूध महंगा हो गया है। मदर डेयरी के गाय का जो काउ मिल्क है, गाय का दूध, उस प्रति लीटर 2 रुपए का इजाफा उसमें हुआ है। 42 रुपए प्रति लीटर दूध अब तक मिलता था, अब 2 रुपए बढ़कर यानी कि अब ये 44 रुपए प्रति लीटर बिकेगा। दिल्ली NCR में गाय के दूध का दाम 2 रुपए बढ़ा करके 44 रुपए प्रति लीटर कर दिया है और इस पर अलग अलग जगहों से एक बार रिएक्शंस भी आ रहे हैं क्योंकि अब मदर डेयरी के बाद और भी दूध कंपनियां हैं जो अपने दाम बढ़ा सकती हैं। लेकिन आपको बता दें दिल्ली NCR में लगभग 30 लाख प्रति लीटर दूध की आपूर्ति है, लेकिन इस पर मदर डेयरी में जो लोग हैं उनका क्या कहना है, जो गाय का दूध लेने आते हैं उनका क्या कहना है। इन लोगों से बात करते हैं, गाय का दूध अब 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया गया, आप क्या कहेंगे? गलत है, क्योंकि हमारी सेविंग्स इतनी नहीं होती जितना एक्सपेंडिचर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि 2 रुपये कम हो। आप क्या कहेंगे? आप भी दूध लेने आए थे क्या? आप गाय का दूध ले रहे थे अभी जो आपने दूध खरीदा, क्या गाय का दूध खरीदा? गाय का दूध ले रहा था जिस, लेकिन इसमें जो 2 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ा दिया गया, अब 44 रुपए प्रति लीटर हो गया 1 लीटर दूध का पैकेट का दाम, क्या कहेंगे आप, ये सही है गलत है, क्या कहेंगे? ये तो गलत है, हर महीने ये 2 रुपए बढ़ते हैं, कभी कुछ बढ़ जाते हैं, फिर जो सेविंग होता है फिर उसमें वो करना पड़ता है, कटौती करना पड़ता है। तो यानी कि लोग यहाँ पे खासा नाराज है, उनका साफ तौर से कहना है कि घर का बजट बिगड़ जाएगा और साथ ही साथ ये बिल्कुल गलत है क्योंकि अगर इसको देखा देखी और भी अगर दूध की कंपनियां दाम बढ़ा देती हैं वो भी बेहद गलत है। ऐसे में महंगाई बढ़ रही है, नौकरियां नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, आमदनी नहीं बढ़ रही है, ऐसे में गाय के दूध का दाम का बढ़ना फिलहाल बेहद नुकसानदेह है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ हर्ष चंदवानी, न्यूज़ नेशन।